हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 4 का गुजराती पढ़ेंगे वर्कबुक में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपणे आ पेज 111 कम्प्लीट करी लीधुं हतुं। हवे जुओ बीजो पेज। हवे आज आपणे भणीशुं पेज नंबर 112। जुओ, आज आमां पहेला आपणे कविता छे एने वाँचीशुं। कविता नंबर 5, नीचेनुं गीत अभिनय साथे गाओ। जो अहीं आपणने एक गीत आप्युं छे, एने आपणने गावानुं छे अने समजवानुं छे। ओके बाळको, आवू पारी पावो नी चकला चूक मादाणा क्या छे। देखो इसमें क्या कहते हैं, आओ पारेवा मतलब आओ कबूतर। क्या है, आओ पारेवा मतलब आओ कबूतर। आवो ने चकला मतलब आओ चकला, चकला मतलब क्या, चिड़िया। वो कहते हैं आओ कबूतर आओ चिड़िया चोक मां दाणा नाख्या छे, मतलब जो चोक है हमारा ओटला होता है, हमने उस चोक में दाने डाले हैं, वो आप लोग आओ और खाओ। मैंने चोक में क्या डाले हुए, दाने, मतलब हमने जो दाने डाले हुए हैं, देखो उन दानों के नाम आएंगे आगे, वो हम देखेंगे, इसलिए इसमें पहले हम इसको पूरा अर्थ समझ लेंगे। वो कहते हैं आओ कबूतर आओ चिड़िया मैंने चोक में दाने डाले हैं। आवो पोपट जी मैना ने लावजो चोक मादाणा नाख्या छे। देखो वो क्या कहते हैं, आवो पोपट जी मतलब आओ पोपट जी। पोपट जी कौन, तोता। पोपट जी कौन स्टूडेंट्स, तोता। वो कहते हैं आओ तोता मैना ने लावजो, मतलब मैना होती है मैना को भी साथ में ही लाना, चोक में दाने डाले हैं। चोक में क्या किया हुआ है, हमने चोक में आपको खाने के लिए हमने बहुत सारे दाने डाले हैं, जैसे हम लोग दाना डालते हैं ना, गेहूं के दाने, चावल के दाने, दाल के दाने, उसको कह रहे हैं कि हमने मैंने दाने डाले हैं, आप लोग वो खाने आओ। ओके, देखो क्या कह रही है, आओ तोता जी मैना को भी साथ में लाना, मैंने चोक में दाने डाले हैं। आवो काबर भाई कलबल ना कर जो चोक मादाणा नाख्या छे। ओके, देखो इसमें क्या कहती है, आओ काबर भाई मतलब जो काउ काउ करता है वो कौवा, उसको कहती है वो कौवा भाई कलबल ना कर जो, मतलब कि काउ 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 मत करना, चोक में दाना ना खेचे मतलब मैंने चोक में दाने डाले हैं, आप आओ और प्यार से खाओ, पर आप कलबल काउ काउ मत करना, मैंने चोक में आपके लिए दाने डाले हैं। बंटी ने बाजरो चोखा ने बावटो, देखो बंटी बाजरो चोखा बावटो मतलब ये सब क्या है, नाम है, उन्होंने कौन कौन से दाने डाले हैं, बंटी बाजरो, एक बंटी एकदम झीणे झीणे दाने आते हैं वो, और बाजरो, बाजरा तो हम जानते हैं जो बाजरा होता है वो, चोखा, चोखा मतलब चावल के दाने, और बावटो, बावटो भी गुजराती वो है दाना है। ओके, ये सब दाना का नाम है, बंटी और बाजरा और चोखा अने बावटो, मतलब बंटी बाजरा अने चोखा अने बावटो, ये सभी दाने उन्होंने चोक में डाले हैं। धोड़ी छे जार ने गाऊं छे रातड़ा, मतलब क्या कहते हैं, धोड़ी, धोड़ी मतलब सफेद, वाइट जो धोड़ी है वो क्या है, जार है, मतलब जिसमें हम छलते हैं, हम लोग गेहूं छनते हैं, वो कैसी है, वो हम उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं छालनी। वो छालनी कैसी है, धोली मीन्स वाइट है, वो छलनी वाइट है। और गेहूं कैसे है, रातड़ा मतलब जो थोड़े पक जाते हैं, गेहूं कैसे एकदम पके पके थोड़े मरून टाइप्स हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं रातड़ा, वो एक कलर है जो थोड़े मरून जैसे पड़ जाते हैं, थोड़े लाल लाल जैसे, चिकनी चिकनी लाल चिकनी जैसे थोड़े हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं रातड़ा कलर। ओके, इसलिए कहते हैं कि सफेद है छलनी, और गेहूं है कैसे मरून जैसे, मरून कलर के जैसे थोड़े हो जाते हैं वैसे रातड़े हैं। चोक मां दाणा नाख्या छे मतलब मैंने चोक में दाना नाखा हुआ है, चोक में दाना डाला है।
आप आओ और खाओ। नीरांते खाजू ने नीरांते कुंदजू, मतलब नीरांते, नीरांते मतलब शांति से, आराम से, तो नीरांते मतलब आराम से कहते हैं, आराम से खाना और आराम से खेलना, कुंदजू मतलब खेलना और खाजू मतलब खाना। वो कहते हैं आराम से खाना और आराम से खेलना, चोकमा दाना नाख्या छे, मतलब हमने चोक में दाने डाले हुए हैं, आप आना आराम से, आप आराम से खाना, आराम से खेलना और चोक में जो दाने डाले हुए हैं उन्हें प्यार से खाना। बिल्ली नहीं आवे कुत्तो नहीं आवे, चोकमा दाना नाख्या छे, मतलब कि आप आराम से खाना आराम से खेलना, चोक में दाने डाले हुए हैं, वहां पर कोई बिल्ली नहीं आएगी, कोई कुत्ता नहीं आएगा और आपको परेशान नहीं करेगा, उसमें आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर कोई बिल्ली नहीं आएगी, कोई कुत्ता नहीं आएगा, आप तो बस जो चोक में दाने डाले हुए हैं उन्हें खा लेना। चक चक कर जो ने कट कट कर जो, चोक मतलब चक चक, वो लोग खाते जैसे चू 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 करते हैं ना, वो चू चू जैसे वो खाते हैं उनके दांतों में से चू 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 आवाज आती है, वैसे ही वो कहती है कि तुम ऐसे चू चू करना और कट कट करना, दांतों से अपने चू चू करना और कट 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 करना, जिससे हमको पता चले कि हाँ आप आ गए हो और चोक में दाने खा रहे हो और मैंने चोक में दाना डाला हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स आपको इसका हिंदी मीनिंग समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया है। इसमें कहते हैं कि आओ कबूतर और आओ चिड़िया, क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं आओ कबूतर आओ चिड़िया, चोक में मैंने दाने डाले हैं, आओ तोता जी और मैना को भी साथ में लाना और मैंने चोक में दाने डाले हैं, आओ कावर भाई कलबन, मतलब कि वो कहते हैं आओ कौवा भाई तुम काऊ काऊ मत करना, मैंने चोक में दाने डाले हैं। फिर देखो बंटी बाजरो और चोखा बावटो, ये सभी उन दानों के नाम हैं, ये सब दाने मैंने डाले हैं चोक में, ये सब दाने मैंने डाले हैं। और जो सफ़ेद है जार, जो सफ़ेद है छलनी और गऊ कैसे हैं थोड़े मरून कलर के जो पक गए हैं, वैसे गऊ मैंने चोक में डाले हैं आपको खाने के लिए। आराम से खाना और आराम से खेलना, चोक में मैंने दाना डाला है। बिल्ली भी नहीं आएगी, कुत्ता भी नहीं आएगा, चोक में मैंने दाना डाला है। चक चक करना और कट कट करना, मैंने चोक में दाना डाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो इसकी हम एक बार गाएंगे अच्छी तरह। आवो पारी वावो ने चकला, चोक मा दाना ना क्या छे, आवो पोपट जीने मेना ने लावजो, चोक मा दाना ना क्या छे, आवो काबर भाई कलबल ना कर जो, चोक मा दाना ना क्या छे, बंटी ने बाजरो चोखा ने बावटो, चोक मा दाना ना क्या छे, धोड़ी छे जार ने गाँव छे रातड़ा, चोक मा दाना ना क्या छे, नीरांते खाजो नीरांते कुंदजो, चोक मा दाना ना क्या छे, बिल्ली नहीं आवे कुत्तो नहीं आवे, चोक मा दाना ना क्या छे, चक चक कर जो ने कट कट कर जो, चोक मा दाना ना क्या छे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आपको कविता गानी है।
ओके बाळको आ रीते तमने आ गीत गावानुं छे अने जो अहींया प्रश्न उत्तर प्रश्न नंबर 6 नीचेनी काव्य पंक्ति पूरता शब्द पूरो करो। देखो यहां पे आपने जो कविता में जो शब्द कम पड़ रहे हो पूरा करेंगे। पहला नंबर आओ पोपट जी ने मैना ने लावजो, मतलब आओ पोपट जी और मैना को भी साथ में लाना। बीजो नंबर बंटी ने बाजरो चोखा ने बावटो, मतलब बंटी बाजरा चोखा ने बावटा। प्रश्न नंबर 3 धोड़ी छे जार ने घऊं छे रातड़ा, ओके बाळको मतलब कि सफेद है छलनी और गेहूं कैसे हैं थोड़े मरून कलर के पके हैं। प्रश्न नंबर 4 चक चक करजो ने कटकट करजो, मतलब चू चू करना और कटकट करना। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आपको होमवर्क में ये वाला पेज नंबर 112 होमवर्क में किताब में और नोटबुक्स में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।